मतलब खौफ का अगर कोई दूसरा नाम है साइंस स्टूडेंट के लिए, आईएससी स्टूडेंट के लिए, तो वो है फिजिक्स, जिसकी टेस्ट है मंडे को। आप बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, 2 डे स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो चलो यही डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो हेल्प हो जाए हमारे बच्चों का। देखिए पैटर्न समझो, पहले पूरे आप सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहला पार्ट आपका, मैं पहले लिखता हूं जो मार्क्स स्कोरिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटम एंड न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, इसको एक मान लेते हैं, ग्रुप मान लेते हैं, ग्रुप वन, इसको G1 मान लेते हैं। ये मैंने ये वीडियो होने के लिए है भैया, जो थोड़ा पढ़ाई नहीं की है और अभी चाह रहे हैं कि भैया 2 दिन में जैसे तैसे कुछ कर ले। देखिए ध्यान से, ग्रुप वन मैंने बड़ा इजी रखा है, और मजे की बात यह है कि यहां से लगभग लगभग 15 से 20 नंबर के सवाल आते हैं, समझिए बात को। दूसरा ग्रुप मैंने रखा है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वहां से भी लगभग 15 से 20 नंबर के सवाल आते। ये बड़े ही, मतलब कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, दीज आर इजी टॉपिक टू स्कोर, समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 नंबर का आता है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कूलम लॉ हो गया, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं डाल रहा हूं ग्रुप सी, ग्रुप थ्री। ये ग्रुप टू है, ये ग्रुप थ्री है। यहां से भी आप, यहां से तो लगभग 25 से 30 नंबर का आएगा सवाल, लगभग, मतलब 20 से तो ऊपर ही आएगा, ठीक है, मतलब 20 से 25 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और टॉपिक ले लेते हैं, ये G3 हो गया, G4 ले लेते हैं। G4 में रख लो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ठीक है। EMI और AC में मैंने देखा कि और करके सवाल दिया है, तो ये ले लो ग्रुप 4, ये लगभग 20 नंबर का आता ही आता है। ये आपका मार्क्स डिवीजन हो गया। अब देखो कल का दिन अगर लोगे आप, हाँ, और एक चीज का तुम ग्रुप बना लो, डायग्राम्स, डेरिवेशन, ये एक ग्रुप हो गया, न्यूमेरिकल्स, ग्राफ, ये एक ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कल का दिन ले लो, और क्लास 12 हो भैया, वो बहाना नहीं चलेगा कि सर 15 घंटा कैसे पढ़े, 16 घंटा कैसे पढ़े, पढ़ना पड़ेगा भैया, कोई ऑप्शन नहीं है, साल भर तो पढ़े नहीं हो कितने बच्चे लोग, ठीक है, चलिए तो करना पड़ेगा भाई। सुबह 8 से लगभग 3 घंटा, 11 बजे तक एक शेड्यूल बना, पहले बता दूं, फिर 11:30 से 2:30 बजे तक, फिर 3 से 6, 6:30 से 9:30, 10 से जितना टाल सको, कम से कम 1, 3, 6, 9, 12, 15 घंटा का शेड्यूल है। बहुत बच्चा बोलेगा सर टफ है सर, इतना 24 घंटे 15 घंटा वो पढ़ाई करे तो क्या करे, भैया करना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, बीच में थोड़ा गैप ले लो, और क्या, बीच में थोड़ा गैप ले लो, बट सेशन बाई सेशन 8 से 11 डेडिकेट करो G1 को एकदम पूरा, 11:30 to 2:30 G2 पे ध्यान रखो, G1 पे ध्यान रखो, स्कोरिंग है। नेक्स्ट 3 से 6 जिनको 100 में 100 लाना है, वो तो भैया सब कुछ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे यहां पे G3 और यहां पे G4, लेकिन जिनको सिर्फ पास होना है, जो दुविधा में फंसे हुए अभी, सॉरी बट जो पढ़ाई नहीं की है अभी, भैया तुम ना G1 और G2 फिर से कर लो यार, ठीक है। एक सेशन तुम फिर से G1 G2 ले लो, G1 प्लस G2 का एक सेशन ले लो,
और G3 और G4 का एक सेशन ले लो, समझे। अब ये जो बचा है यहां पे सिर्फ डेडिकेटेड डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स देखो, यू नो डेरिवेशन देखो, ग्राफ्स देखो, ये सब चीज यहां पे देखो, ठीक है। डायग्राम्स, डेरिवेशन, ग्राफ्स मैंने देखा है, शोविक सर यू नो फिजिक्स फन लिमिटेड उनका चैनल है, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। तो उनका मैंने देखा था लास्ट वीडियो, उन्होंने डायग्राम्स, डेरिवेशन और ग्राफ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे थे, तो यू कैन चेक हिज चैनल, यू नो वहां पे वो PYQ भी डाल रहे हैं, आई बिलीव यू नो ही इज गिविंग PYQs चैप्टर वाइज, रिवाइज भी करा रहा है बंदा, और बड़ा ही प्यार से पढ़ाते हैं सर। तो आई थिंक ये सब चीज आपको वहां से मिल जाएगा, तो गिव वन सेशन फॉर दिस, एम आई क्लियर। फिर आ जाइए आप, ये हो गया सैटरडे का प्लान आपका, फिर आइए संडे का रिपीट, हो सके तो डायग्राम और डेरिवेशन को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बट रिपीट। और यही करो भैया, G1, G2, G3, G4 और ये G5 ग्रुप। G1 जिनको पास होना है, जिनको ठीक ठाक नंबर लाना है, G1, G2, G5 पे ध्यान दे। बहुत सारे डायग्राम्स है, बहुत सारे डेरिवेशन आपके टीचर बता देंगे भैया क्या इंपॉर्टेंट है, वो कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो, आई बिलीव ये शेड्यूल आपको पसंद आया होगा, थोड़ा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड आई प्रे फॉर यू कि आप लोग सब अच्छा करो, ठीक है।